अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, एक्टिव न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। पहाड़ी शरीफ पुलिस हदूद वादे मुस्तफ़ा में एक इंसानियत सोज वाक़या पेश आया। एक बेरहम बाप ने अपने 18 साल बेटे खालिद कुरैशी का हाथ काट दिया, जिसमें 90% सीधा हाथ कट गया। खालिद उस्मानिया हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज है। पुलिस को इत्तला मिलने पर घर वालों से इस वाक़े की तफसीलात मालूम की और 307 के तहत एक केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज़ किया। जी क्या हुआ था रात में? कल क्या हुआ था? कल क्या कर रहे थे? आपका बेटे का हाथ काट दिए थे ना? कितने बार बोला सर मैं बेटे को, देख तू बेटा है, बेटे की हद तक है, आड़े टेढ़े काम रखो कर बोल के कितना समझा, हाथ उठा के मारम थोड़ी होगा, वो तंदा को ऐसा तंदा ना करा, मैं तो नहीं करता था, हाथ उठा दे बाप के ऊपर, कितने बार समझा रहा हूँ तू सुन रहा नहीं। हाँ ऐसा करते हैं। नहीं नहीं, हाथ उठा ऐसा, अगर उन्हें हाथ उठाया तो आप सत्तर से हाथ काट देते बोला था आप। अच्छा नहीं नहीं, हाथ उठा के मारम तोड़ी करके गिरा, आड़े टेढ़े काम बाप को मारते, आड़े टेढ़ा काम बोले तो क्या कर रहे थे? क्या नहीं नहीं, क्या कर रहा? टीवी लगा के आड़े टेढ़े काम करके गए, गाना आवाज बड़ा आवाज इतना नको रख बेटा, बोले तो ऐसा सुन क्या करते हो, ये बोल के उल्टी भाई। किसको तकलीफ है? उसको हाथ काट दिया, किसको तकलीफ किसको है? आपका बेटा ही है ना, ये देखो बड़ा बेटा है, बड़े बोल के समझाया मैं, दूसरे भी बेटे है क्या, दूसरों को हाथ नहीं काटूंगा मैं। हाँ तेरा बेटा है ना, बेटा है तो हाथ काटो तो आपको तकलीफ है ना। आपको कितने जने मतलब फैमिली के बार समझा रहा हूँ, सुन रहा तू नहीं सुन रहा, दूसरे भी बच्चे है क्या, दूसरों को मार रहा हूँ। क्या करना चाह रहे थे? मार देना था चाह रहे थे, नहीं हाथ काटने का चाह रहे थे? क्या करना, ये हाथ से तू कितने बार समझा, पूछो बुला के पूछो। वो हाथ से मारने के वजह से, बड़ा बेटा है बड़े बेटे की हद तक रहे, वो हाथ से मारने, उन्हें अभी बात करने का उत्तर नहीं है ना, सोचे क्या नहीं उन्हें, मेरे को दिमाग खराब होगा, मेरे को क्या है मालूम, कोई भी रहने दो, तुम रहने दो या हम रहने दो, बात सीधी करना, आड़े टेढ़े काम नहीं करना करे तो अम्मा के बहन के गाली गलौज में भी आड़े टेढ़े काम आ रहे, तुम्हें खोपड़ी खराब हो जाती, वो चाहे कोई भी रहने दो, मैं सीधी बात बता रहा हूँ, पूछना है अब पूछ लो। अभी खाली पीली अंदर जा रहे हैं ना, वो कैसा दिख रहे तुम्हारे साथ? कल शाम में हमारे एक वादे मुस्तफ़ा से एक इंफॉर्मेशन खबर आया, इसमें एक फादर उसका बेटा को चाकू से हाथ कटा बोल के इंफॉर्मेशन आया, उसका इंफॉर्मेशन मुताबिक हम इमिडिएटली जाके वो इंजर्ड कोसा हॉस्पिटल में बोल के मालूम करके वो हॉस्पिटल में जाके उसका स्टेटमेंट, उसका मदर का स्टेटमेंट लिए, उसका मदर स्टेटमेंट दिए है हमारा बच्चा और उसका फादर कभी कभी घर में लड़ते थे छोटा छोटा इश्यूज़ में, उससे थोड़ा गुस्सा पैदा हो के इसको कल रात कल आफ्टरनून टाइम में कोई नहीं पीते नहीं थे घर में, उन बच्चा खालिद कुरैशी एज 18 इयर्स इन सो रहे थे, जब इन घर में उसका फादर एक बुच्चर का नाइफ लेके उसको राइट हैंड रिस्ट का ने मारे है, उसमें 90% तक हाथ कटा हुआ है। कितने बजे हुआ सर? तीन साढ़े दो तीन ऐसा टाइम में हुआ, उन उसका माँ बाहर से वापस आई, जब उन पूरा ब्लड में देखी उसका इमिडिएटली आजू बाजू से लेके उसको हॉस्पिटल को लेके गई, उन बोल रहे कि इन कभी कभी थोड़ा ऐसा गुस्सा पे रहते, अभी काम भी कोई काम नहीं कर रहे उसका फादर, और थोड़ा हाइपरटेंशन और थोड़ा इमोशनल भी ठीक नहीं बोल के बोल रहे, उसके वजह से इन ये बच्चे से कभी कभी लड़ते उसके ऊपर गुस्सा पैदा होके ये काम करे, दो दिन के अंदर भी वो बच्चे और फादर दोनों लड़े हुए हैं, उन उसमें
ये राइट हैंड से उसको फादर को मारा बोल के उन बोल रहे, उसके उससे लिए वही हाथ को मैं कटा बोल के इन बोल रहे। कैसा भी इसको हम अरेस्ट करके आज कोर्ट में पेश कर रहे। ये भी 307 केस लगाए, वो बच्चे भी और वो ट्रीटमेंट के लिए बहुत उन कोशिश कर रहे हैं। अभी उस्मानिया में ट्रीटमेंट चल रहा है उसका।